CIET NCERT प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दो गौरैया। इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगूं संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही है। ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं। अच्छा, देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर। हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गौरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं। अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है। अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे है। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे। ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है। चिड़ियाँ एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है। देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ। ठीक है, चल हट, हट, ये अब नहीं निकलेंगी। निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ। मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गौरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को ठिठोली सूझती। तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है जी, जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे जी। वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख जी। अच्छा पिताजी। हट, हट, हट। अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लग गए। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची। अरे अरे, अरे क्या करते हो जी, गलती से लग गया। आराम से। गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया। माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप। सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी। अरे वो देखो, फिर से आ गई घर में। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गौरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था। अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
सुनो तो। रुक जाओ। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अभी सुन ये। दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी। तुम्हारे बस की नहीं है। फिर कोशिश करता। तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी। अब देखो, घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई? पिताजी देखो 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 ऊपर देखो। माँ पिताजी हाँ। वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे। अरे हाँ बेटी। अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। चींची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे माँ बाप? माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया। और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली। अरे वो उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। सच में दो गौरैया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली।